गति 6.40 में ए बी बराबर है ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है, यदि ए डी लंब है बी सी पर और ई एफ लंब है ए सी पर, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। ठीक है, तो बच्चों चित्र दे रखा है, सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। एक त्रिभुज ए बी सी है, इस यहाँ पर एक पॉइंट है ई। ठीक है, यह है ए बी और सी, ए बी बराबर है ए सी के। तो बच्चों जब ए बी और ए सी जब बराबर होंगे तो ये कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, अब ई से ए सी पर एक पॉइंट मिलाया गया है एफ, ठीक है, यहाँ पर ये लंब है। और बच्चों ए से बी सी पर एक लंब डाला गया है डी। ठीक है, तो बच्चों हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के, ई सी एफ के। ठीक है बच्चों, और बच्चों दिया गया है, दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है ए सी। तो बच्चों हम अब इसकी उपपत्ति देखते हैं। देखो बच्चों हमारा क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी बराबर है ए सी। ठीक है, जब बच्चों ए बी ए सी के बराबर है, ठीक है, तो बच्चों बराबर भुजाएं बराबर कोण अंतरित करती हैं, इसीलिए कोण ए बी सी बराबर होगा कोण ए सी बी, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, और बच्चों क्वेश्चन में दिया है कि ए डी लंब है बी सी पर, ए डी लंब है बी सी पर। जब बच्चों ए डी बी सी पर लंब होगी तो इसीलिए कोण ए डी बी हमारा 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों क्वेश्चन में दिया है कि ए ई ई एफ लंब है ए सी पर। जब बच्चों ई एफ ए सी पर लंब होगा, ठीक है, इसीलिए बच्चों कोण ई एफ सी जो होगा वो भी 90 अंश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये कोण भी 90 अंश है और ये कोण भी 90 अंश है, इसीलिए कोण ए डी बी बराबर हो जाएगा कोण ई एफ सी। ठीक है, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो बच्चों दो त्रिभुजों के जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण स्वयं बराबर हो जाएगा, यानी इसीलिए कोण सी ई एफ बराबर हो जाएगा बी ए डी के, स्वयं बराबर हो जाएगा बच्चों। इसीलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे हमारे समरूप, क्योंकि अब तीनों कोण बराबर हो गए, इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ के। ठीक है बच्चों, एंगल एंगल समरूपता से। ठीक है, समझ में आया बच्चों ये क्वेश्चन, समझ में आया हो तो लाइक कीजिए और हमें कमेंट्स भी कीजिए और अपने मित्रों को इसके बारे में अवश्य बताते रहिए। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इसमें क्या है कि एक त्रिभुज एबीसी की बजाय बी ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती हैं। कहने का अर्थ बच्चों ये है कि दो त्रिभुज दिए गए हैं जिनकी जो माध्यिकाएं हैं वो समान अनुपात में हैं।